हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का कैश प्रेडिक्शन में। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों कल वीडियो नहीं आया था, कुछ रीजन था, कुछ कारणवश मैं घर पे नहीं था, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया, कल वीडियो शूट नहीं हो पाई। दोस्तों आज जो मैच है वो कोशिश करूंगा दोस्तों अच्छा, मतलब विनिंग टीम रहे, खासकर GL और स्मॉली दोनों टीम आएगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके मतलब चैनल ज्वाइन करो, वहीं पे फाइनल टीम आती है। तो और दोस्तों अगर YouTube चैनल किसी ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों आज का जो मैच होने वाला काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है, KKR बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच। KKR अभी तक दो मैच के लिए एक भी नहीं आ रही है, वहीं दिल्ली दोस्तों हार चुकी है, तो मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं दोनों टीमों की पहले प्रोबेबल 11 की, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों प्रोबेबल 11 में पहले बातें करते हैं, तो KKR की बातें करते हैं। तो KKR में सुनील नारायण, फिल साल्ट, वेंकटेश अय्यर, सुरेश अय्यर, नीतीश राणा। लास्ट मैच में तो दोस्तों नीतीश राणा नहीं खेला था, लेकिन इस मैच में हो सकता है तो खेलेगा ये। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, अनुकुल रॉय, मिचेल स्टार, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये दोस्तों KKR की प्रोबेबल 11 है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग होगा तो आफ्टर टॉस में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अब बातें करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की में दोस्तों डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, टी स्टब्स, ए पोरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ए नोरखिया, मुकेश कुमार और ईशान शर्मा। दोस्तों ये मतलब दिल्ली की प्रोबेबल 11 है। इसमें कुछ चेंजिंग होगा तो आफ्टर टॉस में अपने फाइनल टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेजता हूँ, वहाँ पर आपको मैं मतलब बता दूंगा आफ्टर टॉस। दोस्तों ये मैच काफी अच्छा होने वाला है। चलो हम चलते हैं पहले पिच रिपोर्ट की और उसके बाद आगे बात करेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा अपने ट्रंप प्लेयर जो जिसको आपको अपनी टीम में रखना ही है 100%। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट की बातें करें तो ये दोस्तों मैच लास्ट में जो खेला गया था CSK का, वही ग्राउंड पे होने वाला है, यानी विशाखापट्टनम में होने वाला है, जहाँ का एवरेज स्कोर दोस्तों 160 है। लास्ट मैच में तो 180 के आसपास बना था, लेकिन इसमें वैसे इसका एवरेज स्कोर 160 है। बैटिंग के लिए गुड है, मतलब अच्छा पिच है बैटिंग के लिए रहने वाला है। बॉलिंग न्यूट्रल रहेगा दोस्तों, बॉलिंग टाइप में, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब लेकिन लास्ट मैच की कंपैरिजन करें तो पेसर्स का गेंद दोस्तों काफ़ी मतलब टर्न हो स्विंग हो रहा था, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों अच्छा, दीपक चंद काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, तो आप देख लेना। अगर लास्ट मतलब आज T20 मैच की बातें करें यहाँ पे, तो दोस्तों पेसर्स ने 54 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 27 विकेट लिए हैं। वैसे भी ये ग्राउंड दोस्तों चेजिंग के लिए अच्छा है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 8 मैच जीता गया और सेकंड बैटिंग करते हुए 10 मैच जीता गया है। तो देखते हैं क्या होता है आज भी। अगर हेड टू हेड की दोनों टीमों की बातें करें तो दोस्तों 32 मैच खेले गए हैं, उसमें से दिल्ली कैपिटल ने 15 मैच जीता है, KKR ने 16 मैच जीता है और एक का नोट जल रहा है। तो यहाँ पे तो दोस्तों तकरीबन 51-49% के आसपास रिजल्ट है, तो कुछ खास तो रिजल्ट नहीं है हेड टू हेड की। तो दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं। सुनील नारायण और पी सॉल्ट दोस्तों ओपनिंग करने आएंगे। अब चाहो तो इस मैच में सुनील नारायण को फिर से कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ओवर भी 4 ओवर डाल रहे हैं और ओपनिंग करने आ रहे हैं। वैसे भी दिल्ली की थोड़ा बॉलिंग लाइनअप पावर प्ले में देखें तो थोड़ा वीक है। खलील अहमद विकेट ले रहा है नो डाउट, बट थोड़ा मुझे लग रहा है जो वीक है। तो आप चाहो तो दोनों ओपनर के साथ जा सकते हो, अच्छा सिलेक्शन रहेगा, खासकर सुनील नारायण को आप कैप्टन भी बना सकते हो। वेंकटेश अय्यर दोस्तों लास्ट मैच में अच्छा खेला था, लेकिन इस मैच में ये नहीं चलेगा, यदि चलेगा भी तो 15-20 रन से ज़्यादा नहीं बना पाएगा, वो लिख के ले लेना आप। सुरेश अय्यर दोस्तों रखना अच्छा सिलेक्शन रहेगा, क्योंकि सुरेश अय्यर लास्ट मैच में अच्छा बैटिंग किया था, अब ये फॉर्म में आ चुका है, तो ये इस मैच में भी अच्छा खेलेगा। अगर KKR दोस्तों पहले बैटिंग करती है तो आप रिंकू सिंह को भी रखना अपनी टीम में, अच्छा सिलेक्शन रहेगा। अगर चेज करती है तो फिर रिंकू सिंह को नहीं रखना, क्योंकि नीचे बहुत आता है बैटिंग करने के लिए, तब तक रन बचता नहीं है कुछ, तो आप रिंकू सिंह को मत रखना। लेकिन आंद्रे रसल को रखना दोस्तों, आंद्रे रसल 4 ओवर भी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, बैटिंग भी अच्छा कर रहा है। चाहो तो अगर KKR पहले बैटिंग करती है तो आप रसल को कैप्टन भी बना सकते हो, ये भी अच्छा सिलेक्शन रहेगा। वहीं दोस्तों मिचेल स्टार को मतलब विकेट नहीं मिल पाया है दो मैच में, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है जो ये पावर प्ले में एक ना एक विकेट तो जरूर लेगा, और लास्ट में भी इसको इस मैच में विकेट मिलेगा दोस्तों।
तो स्टार्क और हर्षित राणा दोनों को मैं रखूंगा अपनी टीम में। हर्षित राणा अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मतलब हार्ड लेंथ पे अच्छा हिट कर रहा है बॉल को, जिससे इसको बाउंस ज्यादा मिलता है गेंद में, तो बैटर पुल लगाने जाता है तो फिर विकेट गिरने की ज्यादा संभावना है, तो इसको विकेट मिलेगा हर्षित राणा को भी इस मैच में। तो ये केकेआर की है। अब दोस्तों दिल्ली की मैं एनालिसिस करता हूँ। तो दिल्ली में दोस्तों डी वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने आएगा, लेकिन दोस्तों इस मैच में पृथ्वी शॉ नहीं चलेगा, मैं आपको बता दिया हूँ। पृथ्वी शॉ को आप मत रखना इस टीम में, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। वैसे भी स्टार्क है तो अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, फिर अंदर लाएंगे ये बोल्ड होगा या एज उज लगेगा, तो पृथ्वी शॉ को मत रखना है। मिचेल मार्श को रखना है अपनी टीम में, क्योंकि बॉलिंग भी डाल रहे हैं एक दो ओवर, अच्छा सिलेक्शन रहेगा। मिचेल मार्श लास्ट मैच में दोस्तों 4 नंबर पर उतरा था, लेकिन इस मैच में पता नहीं, देखते हैं सिचुएशन क्या डिमांड करती है। अगर दिल्ली पहले बैटिंग करता है तो मार्च के साथ भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हो, सेफ सिलेक्शन रहेगा। और ऋषभ पंत दोस्तों, ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग करते हैं तो इनको तो रखना ही है, क्योंकि ये 10-15 रन भी बना दिए, एक दो कैच इनके पास चला जाएगा तो 6 पॉइंट्स आपको दे के जाएंगे। तो विकेट कीपर को वैसे भी मैं सजेशन देता हूँ जो रखना ही है, जो बैटिंग 3-4-5 के अंदर करता है, तो ऋषभ पंत को आप रख सकते हो। टी स्टम्प्स दोस्तों काफ़ी अच्छा फॉर्म में चल रहा है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, तो देख लेना। वहाँ से 2-3 स्पिन वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो खेलेंगे ही, तो फिर देख लेना रखना है कि नहीं। अक्षर पटेल को दोस्तों रखना है, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। कुलदीप यादव लास्ट मैच में नहीं खेला था, अगर इस मैच में खेलता है तो कुलदीप यादव भी मेरे टीम में रहने वाले हैं। अगर दोस्तों केकेआर पहले मतलब अगर चेस करती है तो फिर मैं दो ही एक मतलब नरखिया के साथ जाऊंगा, अगर चेस नहीं करती है तो मैं दो ही स्पिनर के साथ जाऊंगा। वैसे भी मैं फाइनल टीम में टेलीग्राम पे डालता हूं। तो दोस्तों ये मेरा मतलब एनालिसिस क्या हो। अब मैं 6 प्लेयर का मतलब 10 प्लेयर का नाम बता रहा हूं जिसको अपनी टीम में रखना ही है। तो दोस्तों पहले बातें करते हैं केकेआर से। तो सुनील नारायण, पी सॉल्ट, आंद्रे रसल, ये हो गया दोस्तों मतलब कलकत्ता की। और दिल्ली से दोस्तों डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल, ये दोस्तों 6 ट्रंप प्लेयर है, इसको आप अपनी टीम में रखना ही है। बाकी आप जिसको चेंज करना कर लेना, लेकिन इसको ये 6 प्लेयर हमारी टीम में रहने वाले हैं, आपको 6 पॉइंट्स दे के जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।